एक चीज़ कहना चाहेंगे दोस्तों, इसके पहले जो लिए थे हम देसी घी का पड़किया सूखा में था, और ये है रस वाला जो यहाँ पे आपको सामने में दिखता होगा। अब रस वाला एक बार हम ट्राई करते हैं, देखिए क्या लटपट सा रस है इसका। कितना एक बार खाली यहाँ दाबेंगे हम, देखिए ओए होए होए क्या रस निकल रहा है, देख लीजिए रस का मात्रा कितना। आइए एक बाइट लेते हैं। अगर आप लोग आए हमें जब पड़किया ना खाएं, ऐसा हो सकता है, एक बार जरूर आके ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सही लगा, मजा आया खा के, बहुत ही बेस्ट दिख रहा है रसगुल्ला। शुगर अभी मतलब ठंडा होने के लिए रखते हैं, ठंडा हो जाएगा तो कल सुबह में लगेगा। अच्छा, कल सुबह में काउंटर पे लग जाए। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ पे आए हुए हैं। अभी हम आए हुए हैं थामे जो गोपालगंज में पड़ता है, और अभी हम जहाँ पे खड़ा है थामे बस स्टैंड के निकट खड़ा है, और बगल में देख लीजिए गर्मा गर्म पड़किया यहाँ पे बिकता है। थामे का पड़किया बहुत ही नामी होता है, और यहाँ देख लीजिए कुछ इस तरह से बनता है खोआ डालकर। और अभी हम पड़किया का पूरा व्यू दिखाने वाले हैं, कैसे बनता है वो चीज़ दिखाने वाले हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। एक और चीज़ कहना चाहेंगे, यहाँ से थावे मंदिर थोड़ा ही दूर है, और यहीं पे देख लीजिए ये दुकान जो है 50 साल पुराना दुकान है, और यहीं पे बना के अंदर से बनता है, और यहीं पे रखा जाता है, और यहीं पे एकदम तोल के दिया जाता है। चलिए हम जानना चाहेंगे क्या क्या डाल के ये बनाते हैं, और इसी तरह देख लीजिए पूरा मतलब यहीं पे तोला जाता है और यहीं पे सर्व किया जाता है। एकदम गरम गरम पड़किया होता है, पूरा शुद्ध देसी घी में बनता है, और इसके अंदर खोआ डाला गया रहता है। चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर का पूरा व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। 300 रुपये के जी है, 20 रुपये पीस है। अच्छा, 20 रुपये पीस है, तो इसका टेस्ट और बहुत बेस्ट है, काफी टेस्ट है। अच्छा, ये चीज बहुत कम आदमी यहाँ रखते हैं। बहुत कम लोग रखते हैं, हमारे यहाँ रखे हैं। और इधर मिठाई में खुद से बनाते हैं कि रेडीमेड लाते हैं? स्वयं बनाते हैं अपना। अच्छा, स्वयं बनाते हैं। अच्छा, लगा मिठाई मिलेगा। अच्छा, दूध जो है पॉकेट वाला यूज करते हैं कि देहात से आता है, प्योर दूध आता है? कहाँ से मंगाते हैं दूध? देहात से आता है। देहात से। इधर भी बहुत सारा मिठाई है, और चलिए अंदर का थोड़ा व्यू दिखाते हैं। इधर भी कुछ लड्डू वड्डू रखा गया है, और इधर आप लोगों को ठंडा मिल जाएगा पीने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों यही पड़किया के तलाश में हम पटना से आए हुए हैं, और आप लोग को ये पड़किया हम दिखाने वाले हैं यहाँ के कितना ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये पड़किया का रेट क्या होता होगा? 300 रुपये किलो है, 20 रुपये पीस चलता है। 20 रुपये पीस चलता है, और 300 रुपये केजी है, और मात्र 20 रुपये में एक पीस कोई भी लेके खा सकते हैं। और अगर कोई मान के चलिए थोक में लेते होंगे, जैसे मान के चलिए इधर जो भी शादी पार्टी फंक्शन पड़ता होगा, तो यहाँ पड़किया भी मिठाई में डालते होंगे कि नहीं? डबा लोग ले जाता है। अच्छा, तो उस समय मान के चलिए कोई 50 किलो 60 किलो अगर क्वांटिटी लिए, तो उसमें कुछ कम हम करते हैं? रेट जाता है, 10 रुपये कम कर दिया जाता है। 10 रुपये कम कर दिया जाता है, तो ये इनका रेट हो गया। और पूरा कह रहा है पूरा देसी घी में बनता है, और इसके अंदर पूरा खोआ भरा जाता है, तो दूध के फार के खोआ को भरा जाता है नहीं, और यही पड़किया को सर्व किया जाता है। और ये देख लीजिए सामने में रोड हो गया, और इसी के बगल में थावे माता का मंदिर है। यहीं पे सब कोई आते हैं, बाइक रोकते हैं, बस से भी जो आदमी आते हैं रोकते हैं, और यहीं पे ये गरम गरम पड़किया खाते हैं। और ये इनका पूरा दुकान हो गया, दुकान का नाम हम बता दें आप लोग को, भोला सा शुद्ध मिठान भंडार, जो 50 साल से सेवा कर रही है थावे बस स्टैंड के पास। और इनका मोबाइल नंबर ये हो गया, बस स्टैंड थावे गोपालगंज। हमारे यहाँ मिठाई का ऑर्डर भी लिया जाता है, और ये सर मिठाई का ऑर्डर भी लेते हैं। थोड़ा सा एक और चीज़ बात बता दीजिए, शादी पार्टी फंक्शन में अगर कोई मिठाई का ऑर्डर लेने आते होंगे, तो उन लोगों का मतलब हर तरह का मिठाई जो है यहाँ पे सूखा मिठाई ऑर्डर आएगा वैसा बना कर दिया जाता है। अच्छा, मिठाई जो यहाँ पे चूज कर लेंगे लोग, उस तरह का आप लोग बना के दे देते हैं? उस तरह का मिठाई बन जाएगा। अच्छा, उसमें कुछ मेकअप सही मतलब लगा देते होंगे लोग? उसमें कम बेस होता है, कम बेस होता है, 10-20 रुपये कम होता है, मतलब डिपेंड करता है जो रेट है उसमें हल्का छोड़ दिया जाता है, और तुरंत ताज़ा बनता है, आराम से चल जाता है, आराम से शादी पार्टी फंक्शन अपना आदमी मनाते हैं नहीं। चलिए सर जी, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। हमारा मतलब देसी घी का पड़किया आ चुका है, और पड़किया का जो रेट है 300 रुपये के जी है, 20 रुपये पीस है, और ये हो गया पड़किया का साइज, देख लीजिए ओए होए क्या साइज है। आइए एक बाइट हम लेते हैं। वाह वाकई घी का मात्रा कुट कुट के डाला गया है, और अंदर यही खोआ को यूज किया जाता है, देख लीजिए ये खोआ पूरा देसी घी का खोआ है। एक बाइट और लेते हैं, फिर कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। बिल्कुल सही, मजा आ गया।
एक चीज खाना चाहेंगे दोस्तों, इसके पहले जो लिए थे हम देसी घी का पणकिया सूखा में था, और ये है रस वाला जो यहाँ पे आपको सामने में दिखता होगा। अब रस वाला एक बार हम ट्राई करते हैं, देखिए क्या लटपट सा रस है इसके अंदर। कितना एक बार खाली यहाँ दाबेंगे हम, देखिए ओए होए होए क्या रस निकल रहा है, देख लीजिए रस का मात्रा कितना। आइए एक बाइट लेते हैं। अगर आप लोग आए हमें तो पणकिया ना खाएं, ऐसा हो सकता है, एक बार जरूर आके ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सही लगा, मजा आया खा के। चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने। यहाँ पे मिठाई खुद से आप लोग बनाए ना? खुद अपना दूध का बना हुआ। अच्छा, अपना दूध का बना हुआ स्पंज है। और अंदर थोड़ा जैसे ही हम बढ़ते हैं, ये सब सूखा रसगुल्ला है, ये सब सूखा रसगुल्ला है, और बहुत ही बेस्ट दिख रहा है रसगुल्ला सुगर। अभी मतलब ठंडा होने के लिए रखते हैं, ठंडा हो जाएगा तो कल सुबह में लगेगा। अच्छा, कल सुबह में काउंटर पे लग गया। एकदम ताजा ताजा मिठाई बनता है और ताजा ताजा बेचा जाता है, और यहीं पे पणकिया को बनाया जाता है। नहीं, यहीं पर बनाया जाता है, लेकिन अभी मतलब क्वांटिटी निकल चुका है, और फिर वहाँ पे जो सेल हो जाएगा फिर गरम गरम बन के निकलेगा। अच्छा, नाम है और ये आपका जो पणकिया का दुकान है कितना साल पुराना हो गया? 50 बरस पुराना है। 50 बरस पुराना हो गया। अच्छा, कितना बजे सुबह में खुल जाता है? 5:30 बजे सुबह खुलता है दुकान। अच्छा, आप बनना कितना बजे से स्टार्ट हो जाता है पणकिया बनाना? सुबह से स्टार्ट हो जाता है 7 बजे। 7 बजे से मतलब बनना स्टार्ट होता है, रात में कितना बजे तक बनता है? रात में 9 बजे तक बनता है। अच्छा, 9 बजे तक बनता है। और जो भी आपके कारीगर है कहाँ के? बंगाल का है कारीगर, लोकल लोग की। अच्छा, लोकल है बंगाल के। तो आप लोग क्या डालते हैं पणकिया में? दूध जला कर खोआ भरा जाता है। अच्छा, उसके बाद देसी घी में बनता है। अच्छा, देसी घी में बनता है, रिफाइंड का यूज नहीं करते हैं। रिफाइंड जैसा कि दोस्तों देसी घी में पणकिया को बनाया जाता है, और बहुत ही खाने के समझ के लिए नामी पणकिया होता है। नहीं, फेमस है, फेमस है। यहाँ दूर दूर से आदमी आते हैं पणकिया खाने के लिए, काफी दूर से विदेश भी जाता है। अच्छा, विदेश भी जाता है पणकिया, यानी खाने का मतलब यहाँ जो आदमी आते हैं पैक करा के दूर भी लेके जाते हैं, वहाँ के आदमी को भी टेस्ट कराते हैं खाने का पणकिया, यानी इतना ज्यादा नामी है और इतना ज्यादा प्रसिद्ध है और काफी फेमस। अच्छा, और एक और चीज पूछना चाहेंगे, रात में कितना बजे तक दुकान खुला होता है? 9 बजे तक, उसके बाद बंद हो जाता है। अच्छा, उसके बाद बंद हो जाता है। जैसा कि दोस्तों सुबह में 7 बजे से कारीगर लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, रात के 9 बजे तक पणकिया मिलेगा आप लोगों को। और मार्केट जब मार्केट के लिए दशहरा के समय में हमें माता के मंदिर में ज़्यादा जब भीड़ होता होगा, तब आप लोग रात 11 बजे तक भीड़ होता होगा लगभग लगभग, क्योंकि उस समय सभी श्रद्धालु लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने मंदिर पर। आप आपका दो जगह दुकान है? वहाँ भी दुकान है। नहीं, हम लोग यहाँ पर है और वहाँ। अच्छा, और भी दुकान है, मतलब हमें में बहुत सारा पणकिया का दुकान है, जो प्रसिद्ध पणकिया है हर कोई लोग अपना बेचते हैं पणकिया। कैसा मतलब अभी तक मतलब रहा 50 साल का जर्नी कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, तो शुरू से आप ही मतलब है कि आपके माने पिताजी थे? पिताजी, हाँ, वो लोग जुड़ गए। अच्छा, उसके बाद आप लोग संभालने? उसके बाद उनके लड़के हम। अच्छा, उनके आप लड़के? आप लोग का घर कहाँ पड़ेगा? घर यही मोड़े पर है। अच्छा, मोड़े पर है। यहाँ भी कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग? ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा अच्छा ब्लॉग के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, भैया यही जगह का भी ब्लॉग बना दीजिए। फाइनली हम जगह का ब्लॉग बना देंगे तो